कॉलोनी में मुस्लिम तेली समाज का सामूहिक निकाह आयोजन संपन्न हुआ। खंडवा के मुस्लिम तेली बिरादरी ने दुनिया को कम खर्चे में त्रासी जोड़ों की शादी कराकर दिया संदेश। मुस्लिम तेली समाज कमेटी खंडवा द्वारा समाज की इज्तिमाई शादियों का पांचवा आयोजन खंडवा में किया गया। इस इज्तिमाई शादी में लगभग 83 दुल्हा दुल्हनों का निकाह कराया गया। मुस्लिम तेली जमात के आजम गौरी ने बताया कि समाज में खर्चीली शादियों को रोकने एवं समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू की गई इज्तिमाई शादियों को समाज जनों द्वारा मिलने के व्यापक समर्थन को देखते हुए ऐसे इज्तिमाई आयोजन निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि एक शादी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, अगर 83 शादियां अलग अलग की जाए तो अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, इसलिए इज्तिमाई शादियों का आयोजन रखा जा रहा है ताकि समाज का पैसा बचाया जा सके और उन लड़कियों की शादी कराई जा सके जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इज्तिमाई शादी के वॉलंटियर अकरम चाटू ने कहा कि यह एक प्रयास है कि समाजजनों की खर्चीली शादियों के बोझ से बाहर निकाला जाए और सामूहिक विवाह के जरिए समाज को संगठित एवं मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना का भी लाभ मिल रहा है। वहीं अन्य प्रदेशों और मध्य प्रदेश के जोड़ों को कमेटी अपनी ओर से उपहार दे रही है जिसमें घरेलू इस्तेमाल की सभी वस्तुएं और जेवर शामिल है। समाज के वरिष्ठ रफीक भाई खोकर, हाजी सिराज पंवार, हारून पंवार आदि समाजजनों ने इज्तिमाई शादी के आयोजन को सफल बनाया। शहर के नायब काजी सैयद निसार अली और अन्य उलमाओं ने निकाह के फराइज अंजाम दिए। इस इज्तिमाई शादी में देश के अलग अलग हिस्सों से भी दुल्हा दुल्हन शामिल हुए। खंडवा मध्य प्रदेश से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।